दोस्तों बुलंद संदेश न्यूज में आपका इस्तकबाल है, जुड़े रहिए बुलंद संदेश। जो 80% तादाद है वो महिलाओं की है। खैर, एक लंबा सफर गुजरा 2000 से लेके 2015 तक। 2000 से शुरुआत हुई, हमने अल्हम्दुलिल्लाह करीब 3500 महिलाओं को, जिसमें 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो आज भी चल रहे हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुपों के माध्यम से, और जो महिलाएं थी उनको भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन करवाया। सोसाइटी का जो काम था मीडिएटर का, कि सरकार और आम पब्लिक की बीच की कड़ी बन गए। हमने कोशिश करी कि जो हमारे यहाँ समस्याएं थी बेरोजगारी की, उसको दूर किया जाए। उसका दूर करने का जो तरीका था वो हमने ढूंढा, तो वो सरकार की जो पॉलिसी थी वो इन तक नहीं पहुंच रही थी। वो हमने कोशिश करी कि हमने इनका रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन करवा के फिर इनको जो भी हम कर सकते थे। 15 साल में भारत के बहुत सारे, पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव, बहुत सारी जगहों पे हमने एडमिशन और ग्राम बाजार लगाए जो हमारे रेगुलर चलते रहे, जिसमें तमाम संगम विहार के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आज भी दिल्ली का सर दिल कहने वाला दिल्ली हाट जो सरोजी नगर में स्थित है, उसमें आधे से ज्यादा, जबकि वो ऑल इंडिया के लिए बना है, दिल्ली सरकार के ही है, पर आधे से ज्यादा आपको संगम विहार के लोग मिलेंगे, जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही है। वो सबके सब भारत सरकार के कार्य। हालांकि ये मौका नहीं बात कहने का, फिर भी मैं समेटता हूं थोड़ा सा। तो हमने 2000 में शुरू करा और 2015 तक हमारे पास बहुत काम था, क्योंकि यहाँ पिछड़ापन, गरीबी और लाइट तो यह थी नहीं, थी भी तो कभी कभी आती थी। इन तमाम समस्याओं से हमने जूझा, और हमने ही नहीं, हमारी माँ बहनों ने भी जूझा। पानी नहीं था तो पानी के हैंडपंप हुआ करते थे। मुख्यमंत्री आपको मैं जानकारी में डाल दूं कि ये तमाम समस्याएं थी, पानी के हैंडपंप हुआ करते थे जिसको हम लोग खींचा करते थे। बहुत सारे साथी डॉक्टर जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं जो पानी से जुड़ने की खींचा, आज तो सारी सुविधाएं मिल रही है। तो वो पानी से खींच के, हैंडपंप से खींच के, 200 फुट नीचे से तब खींच के वो बाल्टी ऊपर चढ़ाया करते थे। बड़ी मुश्किलों का सामना देखा हमने और भुगता। ये था कि हमारे साथ और हमारा बैकग्राउंड किसी अच्छे उससे नहीं था, कि बहुत सारे टॉप लेवल के मंत्री या इस तरह के लोग नहीं थे, हम ही चंद लोग मिले और हमने एक कोशिश करी। ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके सामने बैठे ये भीड़ नहीं है, ना ही इनमें से कोई भीड़ का हिस्सा है आज, क्योंकि ये तमाम वो मस्जिदों के सेक्रेटरी, सदर और पदाधिकारी है जो मस्जिदों को चला रहे हैं, और वो तमाम के तमाम रजिस्टर्ड सोसाइटी के तहत चला रहे हैं। इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो बाहर से बुलाया गया या भीड़ का हिस्सा। दिनेश मोनिया जी अच्छी तरह जानते हैं कि इन्हीं के क्षेत्र में 38 मस्जिदें हैं, 38 मस्जिदों के ही पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। थोड़ा सा हिस्सा है दिल्ली विधानसभा का जिसमें बंदे उसके भी मेंबर्स हैं, क्योंकि जो बच्चा मोहम्मद आरिफ है वो उस साइड से आता है, तो उसके जो आसपास के मस्जिद कमेटी के लोग थे वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आम आदमी को नहीं बुलाया गया। तो मेरा कहने का मतलब था कि 2000 से लेकर 2015 तक हमारे पास बहुत काम था। डॉक्टर परवेज यहाँ है, हम महीने में 4-4 कैंप लगाया करते थे लोगों को दवाई देने के लिए। एमबीबीएस डॉक्टर हमारे आसपास नहीं था, एमबीबीएस तो छोड़ो कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता था, तो डॉक्टर परवेज और इनकी टीम हम साथ में लेके चलते थे, महीने में 4 कैंप लगा देते थे। और इसी तरह रोजगार का और दूसरी समस्याओं से जूझते थे उस पर। लेकिन साहब ये शिकायत भी कह दीजिए, जो मनीष सिसोदिया जी से मैं कर रहा हूं एक अंदाज में, ये शिकायत ही है मेरी, 2015 के बाद हमारे सारे के सारे वॉलंटियर बेरोजगार कर दिए दिल्ली सरकार ने। उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक अच्छे, जहां डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, तो हमारा काम खत्म हो गया, हमें कैंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो हम रातों दिन काम कर रहे थे इस क्षेत्र में, हमें सीमित कर दिया गया। तो हमारे लोगों को जब मोहल्ला क्लिनिक खोल गए, जब हमारे डॉक्टर्स हम बत्रा दूसरी जगहों से बुलाया करते थे,
वो डॉक्टर्स लाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब वो हम कैंप लगा रहे हैं एक हफ्ते में, वो वहां रोज जाकर बोला मेरे बगल में तो है मोहल्ला क्लिनिक, वही एडमिट किया सारा, तो आपकी क्या जरूरत है, हमारी जरूरत नहीं रही, हमारा काम खत्म हुआ, डॉक्टर परवेज घर बैठ गए तो उनकी टीम काम कर रही थी। दूसरा हम आगे आते हैं बेरोजगारी में। बेरोजगारी में मैंने कहा कि हमारे पास बहुत काम था 2000 से लेकर 2015, एक सच्चाई बता रहा हूं, चिंता की नहीं था, क्षेत्र की सच्चाई बता रहा हूं, जो बुद्धिजीवी जो लोग बैठे हैं जो बुझे भी जानते हैं 30 सालों में, और उन्होंने भी भुगता है, हालात को देखें, हालात से वाबस्ता है। ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं इन्होंने भी काम किया हमारे साथ वॉलंटियर के रूप में और जैसे भी मिलकर अक्सरियत में। बेरोजगारी जैसे मैंने कहा कि लाइट नहीं थी, हमारी माँ बहने दरवाजे पर बैठ जाया करती थी, और वो क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी हैं सिलाई और दूसरे कामों का मजदूर तबका समय के हाथ में डाले थे, ये मजदूर तबका तो है ही है,